हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग बातें कर रहे हैं पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी की और इसमें बेसिकली हम लोग देख रहे थे इंडस्ट्री का चैप्टर और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस इंडस्ट्री के चैप्टर में इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था। इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करते हैं इस इंडस्ट्री के चैप्टर को, तो फटाफट शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। But before that, these are our contact details and these are available courses on YouTube. These are prelims special, mains special and test series based on subscription. इसके अलावा स्टडी मटेरियल है ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिलेबस वाइज अगर देखी जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस है मेनली उसमें हम लोगों ने इवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर लिया है, लोकेशनल फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है, रीजनलाइजेशन लास्ट क्लास में देखा है, पॉलिसीज ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, लिबरलाइजेशन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इस क्लास में बेसिकली हम लोग देखेंगे जो हमारा एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसके बारे में और साथ ही साथ देखेंगे टूरिज्म और जो इंडस्ट्रियल हाउसेज और कॉम्प्लेक्सेज है इनके बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर ये कंप्लीट हो पाया तो ओके, अदरवाइज हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी। इसमें हम लोगों ने रीजनलाइजेशन के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन कर ही लिया था। आगे हम लोग देख रहे हैं हमारा लिबरलाइजेशन और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली जो है वो एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। दिस इज बेसिकली अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स और आपने बेसिक इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ाई की होगी। देन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर में इसका ज्योग्राफी में काम क्या है, क्यों हम लोग इस ज्योग्राफी में इस सेक्शन को पढ़ाई करें। एक्चुअली क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं जो होता है रीजनल कैरेक्टर होती है एंड दिस रीजनल कैरेक्टर इज इन आवर सिलेबस, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रीजन। इस कंसेप्ट ऑफ रीजन में देखिए ये हो सकता है कि रेजिडेंशियल रीजन हो या फिर इंडस्ट्रियल रीजन हो या फिर एग्रीकल्चरल रीजन या किसी भी तरीके का अगर रीजन होता है तो ऑब्वियसली वो हमारे डिस्कशन में या हमारे सिलेबस में आ जाता है और इस वजह से हमारे लिए ये पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर वन। नंबर टू, वी हैव ग्रोथ मॉडल एंड दिस इज ग्रोथ मॉडल का मतलब ग्रोथ पोल एंड दिस इज ग्रोथ पोल एंड जो ग्रोथ स्ट्रक्चर होती है मतलब पेरवेक्स का स्ट्रक्चर एंड बोडीविले का स्ट्रक्चर। और इस तरीके से जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ये भी अगेन एक ग्रोथ पोल बन जाता है एंड दैट इज वाई ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में आ जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस वजह से हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ाई कर रहे होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये है क्या, व्हाट इट इज। तो आप लोगों ने बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जितने भी पोर्ट एरियाज होते हैं यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काफी ज्यादा होता है। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण से हमारे पास जो अवेलेबिलिटी या फिर कह लीजिए जो पोटेंशियल होता है या फिर कह लीजिए जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ट्रेड के लिए काफी अच्छे हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर टैक्स बेनिफिट दे दें या फिर कुछ लिबरलाइजेशन या कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दे देते हैं तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो इंडस्ट्रियल कैरेक्टर लेकर के आएंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी विद इन द कंट्री और इस तरीके से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अल्टीमेटली द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ये होती है और इस वजह से हमें इस पूरे के पूरे सेक्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, इसको डेवलप करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चीज को फटाफट आगे देखते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ ज्योग्राफिकल रीजन दैट हैज इकोनॉमिक लॉज दैट आर मोर लिबरल देन कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉज। द कैटेगरी एसईजेड कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ मोर स्पेसिफाइड जोन। बहुत सारी चीजें होती है जैसे होती है जहां पर फ्री ट्रेड जोन होता है जहां पर जो टैक्सेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होते हैं और नहीं के बराबर भी कई बार होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होती है जहां पर बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सारा काम किया जाता है। फ्री जोन्स होते हैं जहां पर दोनों मतलब कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों आते हैं, दे मेक देयर डील्स एंड अल्टीमेटली दे बेनिफिट द कंट्री इकोनॉमी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स, फ्री पोर्ट, अर्बन एंटरप्राइज जोन्स और इस तरीके से कई सारे और भी कंसेप्ट होते हैं जिसे हम एक पूरे ब्रॉड लेवल पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ब्रॉडली एसईजेड हैज सर्टेन डिफाइनिंग फीचर्स जैसे टैक्स इंसेंटिव, ये कुछ स्पेशल होता है यहाँ पर, या तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं या फिर कह लीजिए कि टैक्स में लिवरेजेस दी जाती हैं। ड्यूटी फ्री मूवमेंट होता है जिससे कि जो भी यहाँ पर कस्टम टैक्स होते हैं वो रिलेटिवली कम हो जाते हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन इंटेंसिव इन नेचर होती है,
एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होता है, डिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक मैनेजमेंट लाइक रिलैक्सेशन इन द बेसिक रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो भी कंट्री विद इन द कंट्री अगर कोई लॉ वर्क कर रहा है, उसकी एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो SEZ एरिया में नहीं लगता है, या फिर कह लीजिए कि इंडस्ट्रियल फेवर में रहता है। तो इस तरीके से जो होती है पूरी की पूरी सीन हो जाती है। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें कि आखिर में जो SEZ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के। जैसे सबसे पहला, इट इज टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव स्ट्रक्चर टू इंक्रीज फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के फेवर्ड होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी तब तक इकोनॉमी में जो थ्रस्ट होता है वो नहीं मिलेगा। इट इज टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड से कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि जो फॉरेन करेंसी आती है, तो इस फॉरेन करेंसी से अगेन हमारा जो कह लीजिए एक्सचेंज रेट है वो काफी स्ट्रांग होते आता है। इट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जब न्यू कंट्रीज आएंगी, मतलब न्यू इंडस्ट्रीज आएंगी, तो नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ही होगा। इट इज टू डेवलप रिलेटिवली लेस डेवलप्ड एरियाज, तो जो एरिया लेस डेवलप्ड होता है वहां पर हम लोग एक SEZ लगा देते हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप हो जाती है और अल्टीमेटली वहां पर डेवलपमेंट हो जाती है। इट इज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इट इज टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, क्योंकि ये लेस डेवलप्ड या फिर बैकवर्ड एरिया में डेवलप किए जा रहे हैं, द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि आखिर में जो SEZ है वो इंडिया में कहां कहां पर लगाए जाते हैं। हालांकि देखिए, लगाने के लिए SEZ तो कहीं पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा फेवर्ड होगा, आप जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि बुंदेलखंड में, जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर हम लोग SEZ बना देते हैं, तो वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग कि आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है जिससे कि इंडस्ट्रीज आ सकें। दूसरा, अगर एयरपोर्ट होता भी है तो भी जो मशीन्स हैं वो नहीं लाई जा सकती हैं एयरपोर्ट की सहायता से। तो जो सस्ता ट्रांसपोर्ट मोड होता है उसी को फेवर किया जाता है, और इसी कारण से जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं उन कोस्टल एरियाज में ये सारे SEZ एस्टैब्लिश होते हैं। या दूसरा, किसी एक ऐसे रीजन में एस्टैब्लिशमेंट होगा जहां पर रॉ मटेरियल बहुत ही ज्यादा मिल रहे हो, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, यहां पर रॉ मटेरियल कुछ ज्यादा ही, कुछ क्या, बहुत ज्यादा मिलते हैं, दैट इज वाई यहां पर SEZ एस्टैब्लिश किया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी यहां पर सेटअप किया जाएगा वो यही देखा गया कि हमारा रिटर्न कैसा आ रहा है। उस रिटर्न के लिए टैक्स स्ट्रक्चर इज ऑल टूगेदर डिफरेंट, मतलब ये सेकेंडरी हो जाता है, द प्राइमरी थिंग इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कोई भी कंपनी ट्रांसपोर्ट में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो एक तरीके का वेस्टेज होता है। इंडस्ट्रियल सेटअप करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा, या कुछ भी अगर लगाना होगा तो वहां पर इंडस्ट्री कभी भी हिचकती नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देने में कहीं ना कहीं उनको एक प्रॉब्लम फेस होती है, बिकॉज कंपनी इज एक्चुअली कंसिडर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एज अ वेस्टेज, क्योंकि उनसे कुछ उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ SEZ इन द पब्लिक प्राइवेट एंड ज्वाइंट वेंचर और बाय स्टेट गवर्नमेंट। इट वॉज ऑल्सो इनवाइसेज दैट सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वुड बी कन्वर्टेड इन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नोइंगली अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट हैज कन्वर्टेड EEEPZ, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इनफैक्ट कई और जगहों पर हम लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एस्टैब्लिश भी किए हैं। जैसे जनरली देखेंगे आप तो पोर्ट एरिया मिलेंगे, जैसे गुजरात का कांडला पोर्ट या सूरत के एरिया में हो गया, केरल का एरिया हो गया, सेंटा क्रूज महाराष्ट्र हो गया, फॉल्टा इन द वेस्ट बंगाल, इसी तरीके से चेन्नई, या फिर जितने भी एरियाज अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी सारे एरिया आपको दिखेंगे कि वो पोर्ट एरिया में ही है। एक और आपको एक्सेप्शन दिखेगा, दैट इज द इंदौर। अगर नोएडा और इंदौर के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और सर्विस ओरिएंटेड के लिए ना तो आपको बहुत ज्यादा मशीन्स की जरूरत होती है और ना ही आपको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। यहां पर जरूरी होती है स्किल्ड लेबर की, और वो स्किल्ड लेबर बहुत आराम से यहां पर मिल जाता है। इंदौर जो न्यूली डेवलप्ड है, और नोएडा अगेन है तो ये भी न्यूली डेवलप्ड, लेकिन अगेन यहां से जो माइग्रेशन फ्लक्स होती है वो दिल्ली से भी मिल जाती है और आसपास के भी रीजन से मिल जाती है। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा कह लीजिए सर्विस ओरिएंटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एस्टैब्लिश भी किए गए हैं, वो कम खर्चे वाले हैं और ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। एट प्रेजेंट 81 यूनिट्स है बेसिकली, जिसमें से 8 जो है वो फंक्शनल SEZ है, ईच विद एन एवरेज ऑफ 200 एकड़, अच्छा खासा लैंड की जरूरत होती है।
8 EPZ में से have been converted into SEZ. तो खैर, this is just a data. इतना ज़्यादा ऐसा important नहीं है आपके लिए. अगर आपको याद रहता है, लेकिन मैं कहूँगा कि you need to update this. ये आपको हमेशा update देना पड़ेगा, update करना पड़ेगा. लिखेंगे point, obviously extra marks मिलेंगे ही मिलेंगे. लेकिन खैर, वही चीज़ है कि आपको main चीज़ है concept समझना. Concept is more important than any other thing. आगे अगर देखें तो हम लोग बात कर लेते हैं जरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs के बारे में. PSUs के लिए हालांकि मैंने लास्ट में भी आपको एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दिया था. PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडर एंटरप्राइज. यहां पर होता क्या है कि 51% ऑफ द स्टेक का मतलब कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट की होती है, और बचा हुआ जो 49% होता है वो प्राइवेट एंटिटी का होता है. सिंगल हो सकता है या फिर मल्टीपल प्लेयर में हो सकता है. इसे होता क्या है कि जितने भी मैनेजेरियल या कह लीजिए कि टॉप मोस्ट जो डिसीजन मेकिंग होती है वो तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड होती है, मतलब गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो वर्क कल्चर, कंपटीशन एंड द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ये प्राइवेट ओरिएंटेड होता है. तो इस तरीके की जो PSUs होती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट इन दोनों का एक अमलगमेशन हमें देखने को मिलता है, जिससे कि जो प्रॉब्लम सरकारी संस्थाओं में है, सरकारी इंस्टीट्यूशन में है, वो यहाँ पर जनरली नहीं आने पाती है. और इस तरीके से जो प्रॉफिट मेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं जो होती है वो अपने टॉप पे, मतलब प्रायोरिटी पे रहता है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज अ कॉर्पोरेशन इन पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वेयर मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी रेस्ट विद द गवर्नमेंट. तो ये जो मैनेजेरियल कंट्रोल होती है वो गवर्नमेंट की पास होती है. इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हैं. बिलो इज गिवन अ पार्शियल लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं जहां पर आप जो है इस PSUs को दे सकते हैं. जैसे छोटे एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे IOCL हो गई, या फिर ONGC हो गया, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया. तो बहुत सारे हैं, BPCL हो गई, ठीक है, इसके अलावा EESL इलेक्ट्रिकल में हो गया. तो मल्टीपल PSUs आर देयर, जो कि हालांकि कैटेगराइज भी की गई है, जैसे मिनी रत्ना, नवरत्ना एंड महारत्ना में. और ये सब चीजें आप लोग अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में भली भांति पढ़े होंगे. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं वो बेसिकली जो ओपन किए गए थे, जैसे कोल के लिए हो गया, कोल इंडिया बनाई गई है, पेट्रोलियम के लिए नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइक IOCL, BPCL, ONGC, मल्टीपल चीजें हैं, एल्कोहल है, एटॉमिक है. तो ये सारे कुछ सेक्टर्स हैं जो एक्चुअली ओपन किए गए थे ड्यूरिंग 1991 रिफॉर्म. हालांकि ये पूरी तरीके से ओपन नहीं है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में आती हैं, जैसे टॉक्सिसाइड्स हो गए, हजार्डस एलिमेंट्स हो गए, या इस तरीके की जो चीजें होती हैं. मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि 6 कैटेगरीज आर देयर जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में चीजों को रखती है, और वही चीज यहाँ पर भी है. पब्लिक सेक्टर के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए इनका जो परफॉर्मेंस है काफी मिक्स सा परफॉर्मेंस है. इनकी परफॉर्मेंस देखिए प्राइवेट एंटिटी होने के कारण से होनी तो अच्छी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं. एंड द प्रॉब्लम्स इज डेप्ट. ये जो डेप्ट है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जो लॉसेस होते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा पावर सेक्टर का. पावर सेक्टर में जो EESL है, दिस इज वर्किंग वेरी फाइनली, बहुत अच्छे से काम कर रही होती है. लेकिन द थिंग इज गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू द कंज्यूमर, और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट तो सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, लेकिन कंपनी को तो लॉस ही हो गया. बिकॉज कंपनी, जैसे गवर्नमेंट बोल देती है कि वी विल गिव यू ऑल द रेस्ट अमाउंट, जितनी भी सब्सिडी मैंने दी गई है, जो भी आपने सब्सिडी यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की है, वी विल गिव यू बैक, हम लोग जो है उसको आपको रिमबर्स कर देंगे. लेकिन कब करेंगे ये नहीं बताया जाता है, और इस तरीके से क्यूमुलेशन होती आती है और कंपनी जो है वो लॉस में चली जाती है. समटाइम्स गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो कभी कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में चीजें और फ्री कर देती है, जिससे कि और ज्यादा इनको लॉस हो जाता है. तो कंपनी खुद की फंक्शनिंग के कारण कभी लॉस में नहीं जाती है. कंपनी लॉस में जाती है जब इस तरीके की कह लीजिए कि स्कीम्स लेकर के आई जाती है. तो इस तरीके की जब फ्रीबीज दी जाती हैं तो उससे जो है कंपनी लॉस में चली जाती है. जैसे कोल इंडिया ही हो गई, कोल इंडिया को कह लीजिए कि जो होता है ऑक्शनिंग करवाई जाती है, लेकिन अगेन देयर इज सम बायसनेस एंड दैट इज व्हाई वी हैव न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज, और इस तरीके की चीजें हो जाती हैं. तो यही रीजन है जिसके कारण से पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रही हैं, अंडर परफॉर्म कर रही हैं. जबकि वही कुछ इंडस्ट्रीज देखेंगे लाइक BPCL, ONGC,
IOCL, they are making huge profits. अरे huge profit क्यों कर रही हैं? Again, they are working finally. वो अपना काम कर रही होती हैं. Petroleum sector में again इस तरीके की कोई subsidy वगैरह नहीं है. Market oriented किया जा चुका है. तो इसलिए सारी की सारी जो industries काफी profit making अपना काम कर रही हैं. The growth of the public sector has been quite appreciable in India. The public sector today controls commanding heights of industrial development, particularly in terms of total investment in important sector like steel and coal, cement, fertilizer and all that, जितनी भी चीजें हैं. इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ डेटा वगैरह दिया गया. अगेन यू नीड टू अपडेट दिस डेटा. यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्टील जो सेक्टर है, स्टील के लिए SAIL, दिस इज द PSU, ये 8000 करोड़ ओवर द इन्वेस्टमेंट कंट्रोल नियरली 15% ऑफ टोटल पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट. हालांकि इसका डेटा चेंज नहीं हुआ है, दिस इज मोर ऑर लेस सेम है, ये इसमें कुछ चेंज नहीं है. कोल इंडिया में दिस इज गोइंग डाउन, इसकी जो होती है लगातार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट भी की जा रही है. द अदर्स इन ऑर्डर are the residential coal sector and the engineering industries. The top 10 enterprise of the public sector under the central government control nearly 56% of total investment. You can consider this as less than 60% of total investment. और इस तरीके से आप चीजों को बिना अपडेट किए भी काम चला सकते हैं. और ये परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन दे आस्क यू द स्टेटस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और यहां से आपको ये जानकारी मिल जाती है. या फिर यू कैन यूज दिस डेटा इन द एसे, और यू कैन यूज दिस डेटा इन योर इकोनॉमिक्स, मीन्स इकोनॉमिक्स GS3 के पेपर में भी आप यूज कर सकते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. आगे अगर बात करें व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर, एक प्रॉब्लम तो मैंने आप लोगों को बताई दिया, जहां पर गवर्नमेंट स्टार्ट गिविंग फ्रीबीज एंड दैट इज व्हाई दे नीड टू गिव द सब्सिडीज, और उसके लिए जो रिइंबर्समेंट होती है काफी डिलेड होती है. डिले होने में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि कंपनी जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, कि उसको इनपुट्स भी हायर करने के लिए जो होता है फंड्स नहीं रहते हैं. द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इज द लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड रिकरेंट एक्यूमुलेशन एंड एनुअल लॉसेस. बाय एंड लार्ज द सर्विस मैन्युफैक्चर एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडिया आर नॉट viable mainly due to non-professionalism. That freebies actually are is a format of non-professionalism, external interference and spendthrift recklessness. तो ये कुछ चीजें हैं जहां से आप देख सकते हैं कि इनकी कुछ problems है. इसके अलावा बाकी सारी चीजें तो लिख ही सकते हैं कि lockouts हो जाते हैं, strikes हो जाते हैं, धरनाज हो जाते हैं. इसके अलावा sustenance, prosperity and development of private sector and the rest of the economy today is closely dependent on how well the public sector function. Castigating the public sector however is futile. The public sector thus has come to stay essential component of the economy. तो इस तरीके से बेसिकली जो होता है कंक्लूडिंग रिमार्क आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको लेकर के. बाकी जो प्रॉब्लम्स है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो इनिफिशियंसी है, जो लॉसेज है, जो नॉन प्रोफेशनलिज्म है, लॉकआउट्स है, स्ट्राइक्स है, यही कहीं ना कहीं जो होती है वो मेन रीजन है पब्लिक सेक्टर के लिए. लेकिन अगेन जो मेन रीजन के बारे में बात करेंगे दैट इज द लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द एनुअल लॉसेस, यही जो है मेन प्रॉब्लम है. तो ये थी बेसिकली पूरी पब्लिक सेक्टर के बारे में. आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा देख लेते हैं टूरिज्म सेक्टर को लेकर के. एक्चुअल में टूरिज्म सेक्टर में आखिर क्या चीजें हैं. टूरिज्म सेक्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP में. तो देखते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है और टूरिज्म सेक्टर के बारे में क्या है. तो इंडिया में अगर देखेंगे तो देखिए हर एक तरीके की चीजें हैं जहां पर लोग जाना पसंद भी करते हैं और एक तरीके से थोड़ा सा रिक्रिएशनल वर्क भी करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, वो प्रिलिम्स दिए, प्रिलिम्स देने के बाद फिर ये होता है कि यार चलो ऐसा है घूम करके आते हैं. तो जनरली दे डू गो टू हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में चले जाते हैं और वहां पे एक दो दिन बिता करके वापस आते हैं और फिर अगेन जो होती है अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं. तो यही क्या है, दिस इज एक्चुअली अ टूरिज्म. तो ये टूरिज्म ही होती है मूड रिफ्रेश करने या फिर इस तरीके की चीजें करने के लिए अपना लोग आते जाते हैं. तो इन इंडिया टूरिज्म हैज इमर्ज्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होती है, जैसे अगर देखेंगे गुजरात के कच्छ रीजन में यहां पर जो है एक फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल के लिए लोग डोमेस्टिक मतलब कि विद इन इंडिया और फॉरेन दोनों जगहों से लोग आते हैं और यहाँ का जो कच्छी कल्चर है उसको देखते हैं, फेस्टिवल है उसको देखते हैं, काफी अच्छा और काफी डिफरेंट होता है. इसके अलावा सिमिलरली जैसे जैसलमेर हो गया या फिर बीकानेर हो गया, यहाँ पर कैमल फेस्टिवल होती है तो अगेन जो होती है इसको देखने के लिए लोग आते हैं. सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में भी
इसी तरीके से फेस्टिवल्स होती हैं और वहां पर भी लोग आते जाते रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि यहां पर जब लोग आते हैं तो गाइड करते हैं और उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, और इस तरीके से टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफी अच्छा एक इवॉल्व होकर के नई सेक्टर के रूप में आया है, जो कि इंडिया के लिए काफी अच्छा है और अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जनरली जो लोग होते हैं वो काफी लोवेस्ट सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी एज वेल एज द इकोनॉमिक साइड होते हैं, मतलब जनरली दे आर एक्चुअली द पुअर पीपल एंड दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड दिस इज सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ड्यूरिंग 89 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन टूरिज्म सेक्टर वॉज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 50 मिलियन। टूरिज्म प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने मतलब कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा नए नए प्रोग्राम्स लगाए हुए हैं, चलाए हुए हैं। जैसे एक प्रोग्राम है जिसमें भारत दर्शन है, इस भारत दर्शन में फिलहाल के लिए 16 सर्किट्स बनाए जा चुके हैं जिसके लिए प्रमोट किया जाता है टूरिज्म को। इसके अलावा आदर्श स्मारक हो गया, दिस इज आदर्श स्मारक। इसी तरीके से हेरिटेज इंडिया प्रोग्राम, हेरिटेज इंडिया प्रोग्राम, दिस इज अगेन अ स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द टूरिज्म। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत, दिस इज अगेन ए काफी अच्छी स्कीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें होता क्या है कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ लिंक कर दिया जाता है, उनके कल्चर को लिंक कर दिया जाता है, और फिर अल्टीमेटली वहां पर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और टूरिज्म प्रमोशन के लिए चीजों को किया जाता है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एंड दिस गिव्स यू अ आंसर राइटिंग पॉइंट जब आप टूरिज्म सेक्टर के लिए कोई भी चीज लिख रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो लोकल हैंडीक्राफ्ट हो गए या कल्चरल एक्टिविटीज हो गए लाइक दिस फर्स्ट थिंग, या फिर जो GI इंडिकेटर्स है, कहीं ना कहीं ये GI इंडिकेटर्स भी जो होते हैं वो टूरिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि अगर आप असम में चले जाते हैं तो असम में अगर आप जाएंगे तो वहां पर टी फील्ड्स, जो जहां पर भी चाय की खेती होती है वहां पर जाएंगे ही जाएंगे, और इस तरीके से वहां पर टूरिज्म हो जाती है बिकॉज टी इज द GI इंडिकेटर देयर। समझ में आया। इसके अलावा इंडिया में कई तरीके की चीजें होती हैं, जैसे नेचुरल टूरिज्म, या फिर कह लीजिए कि हिल स्टेशंस हैं, जैसे अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, शिमला, उत्तराखंड में अगर आ जाएंगे तो नंबर ऑफ चीजें हैं यहाँ पर, पिथौरागढ़ एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर लोग जाते हैं और ब्यूटी ऑफ द नेचर को देखते हैं और वहां पर टूरिज्म मतलब प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हिल स्टेशंस ऑलरेडी आप डिस्कस कर लिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर जयपुर के बारे में बात कर लें, या जैसलमेर के बारे में बात कर लें, या फिर बीकानेर के बारे में बात कर लें, हर जगहों पे फोर्ट हैं, किले हैं, लोग जाते हैं, देखते हैं, जंतर मंतर है उसको भी देखते हैं, अगेन जो होती है वो हिस्टोरिकल मोमेंट आती है। सिमिलरली आगरा, आगरा अगेन जो है यहाँ पर कई सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, तो लोग जाते हैं अगेन यहाँ पर घूम करके चले आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो होता है टूरिज्म सेक्टर को ही प्रमोट करती है। सिमिलरली कल्चरल एंड रिलीजियस टूरिज्म भी होती है, जैसे जितने चारों धाम है ये भी जो है टूरिज्म को ही प्रमोट करता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो अजमेर शरीफ भी लोग जाते हैं, दरगाह जाते हैं, तो इस तरीके से भी प्रमोशन होती है। बाकी सी बीचेस, तो जितने भी आपके गोवा हो गई, मुंबई हो गई, पौंडीचेरी हो गई, तो यहाँ पर लोग जाते हैं, यहाँ पर भी अगेन जो होती है टूरिज्म प्रमोट करते हैं। बाकी एडवेंचर टूरिज्म हो गई, जैसे उत्तराखंड में लोग जाते हैं, राफ्टिंग करते हैं, सिमिलरली पौंडीचेरी में जाते हैं, अंडमान निकोबार में जाते हैं, और वहां पर स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग ये की जाती है, पैराग्लाइडिंग हो गया, या फिर जो भी बाकी के एडवेंचर स्पोर्ट्स इस तरीके से ही किए जाते हैं, और इससे जो होती है टूरिज्म प्रमोट होती है। आगे अगर बात किया जाए तो टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज कन्फ्रंटेड विद मेनी प्रॉब्लम्स। अब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है, हालांकि है तो बहुत सारी, उसमें जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो है लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट का मतलब यह है, मैं छोटी सी यहां पर छोटा सा एक सीन बताऊंगा। सपोज यू आर गोइंग टू कश्मीर, मान लीजिए आप कश्मीर भी जाते हैं। अब देखिए कश्मीर और जम्मू इनमें बड़ा डिफरेंस है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब ये स्टेटहुड हुआ करता था इनके पास तब की बात की जा रही है। अभी तो खैर इनका सिस्टम चेंज हो गया है, यूटी में कन्वर्ट हो गई है, तो यूटी में क्या हुई है, कैसे हुई है, इसके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता है अभी, बिकॉज आई हैव नॉट बीन देयर। बट जब स्टेटहुड थी उस समय का केस ये था कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर यू हैव अ थ्रेट इन योर माइंड, एंड दिस थ्रेट इज जस्ट बिकॉज, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, आपने मीडिया सोर्सेज, न्यूज़पेपर्स और लोगों के द्वारा ये जरूर सुना होगा कि कश्मीर जाएंगे तो देयर आर द रीजन इज वेरी प्रॉब्लमैटिक,
इनफैक्ट वहां पर कई सारे जैसे लाल चौक वगैरह है वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ऐसा लोग मानते हैं, ऑल्दो द थिंग इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली इन दैट मैनर, उस तरीके से नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं एक थ्रेट होता है। और जब आप जाएंगे फिर वहां पर चीजों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और मान लीजिए कोई भी एक घटना कुछ भी हो जाती है, देन अगेन जो होती है वो थ्रेट आपका एक काफी ज्यादा बड़े थ्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यू मतलब कि आप जो है फिर जो लोकल पीपल है उनसे आप सपोर्ट नहीं करते हैं, और इस तरीके से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बाकी किस तरीके से आप पहुंच रहे हैं इस पे काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दिस एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट, विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग, एंड विद रिस्पेक्ट टू द होटल्स। होटल्स के बारे में ही जैसे एक छोटी सी स्टोरी, जब मैं घूमने गया हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि जैसलमेर का केस है, वहां पर जब जाइए तो जनरली क्या होता है कि आप ओयो या फिर गो आईबीबो इन सबसे आप जो है बुकिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद से होता क्या है कि आप होटल में जा रहे हैं, वहां पे आप सपोज ओयो की बुकिंग कर रखे हैं, और उसके बाद से होटल वाला कहता है कि मैं नहीं मानता हूं, मैं ओयो के थ्रू बुकिंग नहीं लेता हूं, यू हैव टू पे इट हियर, और तभी मैं आपको रूम्स वगैरह दे सकता हूं। तो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम जो होती है टूरिज्म को इस तरीके से अफेक्ट करती है। इंडियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इंडियंस तो मतलब किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, बट अगर फॉरेनर्स आते हैं तो देयर आर ह्यूज कियोस्क, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा वीजा फॉर्मेलिटीज इंटरनेशनल के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, फिर इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। जैसे क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि गैंगटोक जा रहे हैं, तो गैंगटोक से अगर आपको नाथुला पास पे जाना है यू हैव टू टेक परमिशन, और वो परमिशन भी सबको नहीं दी जाती है, तो अगेन यहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं यू हैव टू टेक द इनर लाइन परमिट। इसके अलावा कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं, तो ये जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अगेन जम्मू एंड कश्मीर बताया ही मैंने आप लोगों को कितनी दिक्कतें हो जाती हैं, तो ये एक्चुअल में दिक्कत नहीं है, एक्चुअली द थ्रेट इज देयर विच इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द सोसाइटी एंड द मीडिया सोर्सेज। इसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द टूरिस्ट, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेसी ऑफ क्वालिफाइड टूरिस्ट गाइड एंड एब्सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो जो लोकल पार्टिसिपेशन है दिस शुड बी इनकरेज्ड, काफी जरूरी होता है इसको इनकरेज करना। बाकी आगे बात किया जाए तो क्या इसका स्टेटस है इस टूरिज्म सेक्टर का, तो डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टकमिंग्स एंड द प्रॉब्लम्स इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। The World Tourism and Trade Council has estimated that India's travel and tourism potential can provide a substantial resource to economy. और ये काफी बड़ी है, मतलब huge economy actually है इसकी। इसको अगर हम और अच्छे से promote कर लेते हैं तो obviously ऐसा possible है कि in the near future this can contribute in the GDP in the top 1 or 2 level. ठीक है, तो ये काफी अच्छा जो होता है contribution source निकल के आ सकता है, provided इस पे स्पेशल फोकस किया गया, जो कि गवर्नमेंट इस समय काफी अच्छा कर भी रही है। वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल हैज सजेस्टेड मेकिंग फोर फोल्ड प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म। कौन कौन सी है वो, मेक ट्रैवल एंड टूरिज्म अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी। अभी तक जैसे रिक्रिएशनल फोकस ही किया आता था, बट यू हैव टू मेक दिस टूरिज्म इंडस्ट्री एज अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी, उसको बढ़ाने की जरूरत है। Move towards open and competitive market including civil aviation liberalization, pursue sustainable development, eliminate barriers to growth of tourism. तो इस तरीके से हमें promote करना पड़ेगा चीजों को ताकि tourism sector हमारा बढ़े। इसके बाद एक sector होता है tourism के साथ ही साथ में एक और होता है, that is known as eco-tourism या फिर environmental ecological tourism का sector। अब ये क्या चीज है इसके बारे में देख लेते हैं। इको टूरिज्म एक्चुअली क्या है, टूरिज्म का ही एक पार्ट होता है। इसको आसानी से समझने के लिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लाइक जब आप टूरिज्म करते हैं तो यू आर एक्चुअली चूजिंग दैट सिटी विच इज अर्बनाइज्ड, ठीक है, या फिर आप रिलीजियस एक्टिविटी को चूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इको टूरिज्म कर रहे हैं देन यू आर चूजिंग एक्चुअली नेचुरल प्लेसेस, और ये नेचुरल प्लेसेस कुछ भी हो सकती है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, या फिर कोई फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, या फिर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर जब आप जाते हैं चीजों को देखते हैं और यूज मतलब टूरिज्म कर रहे होते हैं तो उसको इको टूरिज्म करते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज कि अगेन ये इको टूरिज्म जो है वो टूरिज्म का पार्ट बनते जा रहा है, क्योंकि यहां पर मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, इको टूरिज्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यू आर नॉट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, बट अगेन आप जा रहे हैं कन्वीनियंट के लिए, आप
ज्यादा से ज्यादा जो होता है व्हीकल लेकर के जाते हैं, गाड़ियां लेकर के जाते हैं, देन अगेन जो होती है एनवायरमेंटल डैमेज बिकॉज यू आर पल्यूटिंग द एटमोस्फियर. इसके अलावा जहां पर भी आप स्टे कर रहे हैं, अगेन आप जो है वहां पर एसी मतलब रूम ले रहे होते हैं, और ऑब्वियसली जो प्रोवाइड करने वाला बंदा है वो ऑब्वियसली वो आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से चीजों को प्रोवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं यू आर डिग्रेडिंग द टूरिज्म इन द नेम ऑफ इको टूरिज्म. ये काम नहीं करना चाहिए. खैर, इको टूरिज्म के बारे में आप लोग समझ गए होंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल टूरिज्म. इट इज अ फॉर्मेट ऑफ टूरिज्म दैट अपील्स टू द इकोलॉजी एंड सोशल कॉन्शियस इंडिविजुअल. जनरली इको टूरिज्म फोकस ऑन वॉलंटियरिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग न्यू वेज टू लाइफ ऑन द प्लैनेट, टिपिकली इन्वॉल्विंग ट्रेवल टू डेस्टिनेशन वेयर फ्लोरा एंड फौना एंड कल्चरल हेरिटेज आर प्राइमरी अट्रैक्शन. जैसे होता क्या है कि आप किसी फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं या किसी एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर आप इन्वायरमेंट को एक्चुअली फील कर सकते हैं. तो जब आप किसी चीज को फील करेंगे एंड यू आर अगेन जब वापस आते हैं, जब आप रिटर्न बैक होते हैं, देन यू स्टार्ट फीलिंग डिस्कम्फर्ट, और आपको तब एक इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट चीजें समझ में आना शुरू होती है, और इस तरीके से आप अपने अंदर एक बिहेवियरल चेंज लेकर के आते हैं. और यही मेन ऑब्जेक्टिव है इको टूरिज्म का कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए. प्रोटेक्ट एक्चुअली पहले क्या है, लर्न द इन्वायरमेंट, फील द इन्वायरमेंट एंड बिहेव फॉर इन्वायरमेंट. तो ये एक तरीका होता है इको टूरिज्म का, मेन ऑब्जेक्टिव होता है. अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट इको टूरिज्म इज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म इंक्लूड्स प्रोग्राम दैट मिनिमाइज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल टूरिज्म. अब नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, यही सब डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, चाहे वो व्हीकल के फॉर्मेट में हो, चाहे वो आपके एसीज के फॉर्मेट में हो, या किसी अदर फॉर्मेट में हो जहां पर आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं. एनहांस द कल्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल. देयरफॉर इन एडिशन टू इवैल्यूएटिंग इन्वायरमेंट एंड कल्चरल फैक्टर्स, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इको टूरिज्म इज इन द प्रमोशन ऑफ रिसाइकलिंग, एनर्जी इफिशियंसी, वाटर कंजर्वेशन एंड क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल कम्युनिटीज. आइडियली इको टूरिज्म शुड सेटिस्फाई सेवरल क्राइटेरिया. क्या चीज होती है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगेन फिर से लेना चाहूंगा. जैसे अगर मान लीजिए आप जनरली ये लोगों को आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं द फॉरेस्ट एरिया एंड दे स्टार्ट ब्लॉगिंग, चीजें बनाना शुरू कर देते हैं. वहां पर वो इन्वायरमेंट को फील करने की बजाय फोटोग्राफी पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, अपने डीपी को लगाना ज्यादा फोकस कर लेते हैं. दैट इज नॉट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव ऑफ इको टूरिज्म. इको टूरिज्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि यू स्टे देयर, सिट देयर एंड फील द एनवायरनमेंट. तो जितने भी आप बाकी गैजेट्स, जितने भी चीजें हैं, ठीक है आप अपने जो भी हॉबीज हैं उनको साइड करिए, लेकिन फर्स्टली फील द ऑब्जेक्टिव ऑफ इको टूरिज्म. अब यहां पर अगर देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली शुड सेटिस्फाई सेवरल क्राइटेरियाज, कौन कौन सी चीजें हैं, लाइक सबसे पहले तो यही चीज है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एंड कल्चरल डायवर्सिटी. इसके अलावा प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द लोकल पॉपुलेशन. इसके अलावा अगर देखें तो इको टूरिज्म विच इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैव बिकम प्रिवेलेंट कंसेप्ट सिंस द लेट 1980s. And ecotourism has experienced arguably the fastest growth of all subsector in the tourism industry. ये ऐसा नहीं है केवल और केवल इंडिया में ही कंसेप्ट है, या फॉरेन में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी सेम कंसेप्ट वर्क करता है. जैसे अगर यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो वहां पर भी लोग जो होते हैं इको टूरिज्म को फोकस करते हैं. इको टूरिज्म के लिए लोग फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, लेकिन वहां पर दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इको टूरिज्म. वहां पर जो होती है इस तरीके से आप नहीं करेंगे कि व्लॉगिंग कर ले रहे हैं या फोटोग्राफी कर ले रहे हैं. ऑब्वियसली व्लॉगिंग एंड फोटोग्राफी इज अ पार्ट, बट द मेन थिंग द ऑब्जेक्टिव नीड टू बी सेटिस्फाइड. द पॉपुलैरिटी रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन टूरिस्ट परसेप्शंस, इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड अ डिजायर टू एक्सप्लोर नेचुरल एनवायरमेंट. सच चेंज हैज बिकम अ स्टेटमेंट अफर्मिंग वंस सोशल आइडेंटिटी, एजुकेशन, सोफिस्टिकेशन एंड डिस्पोजेबल इनकम एज दे आर अबाउट प्रिजर्विंग द अमेज़न रेन फॉरेस्ट. जैसे अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में भी फायर फॉरेस्ट फायर हुई थी, और सिमिलरली जो है वो ब्राजील में भी फॉरेस्ट फायर हुई थी. लेकिन अगेन जो होती है फॉरेस्ट फायर को रोकने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैल इंटेंशन जरूर था कि इफ फॉरेस्ट गोज डाउन वी कैन स्टार्ट द इंडस्ट्रियलाइजिंग दैट रीजन. तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में मैल इंटेंशन जरूर था कि जो होता है अगर वो फॉरेस्ट खत्म हो जाती है तो उस लैंड का यूज किया जा सकता है किसी ना किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए. लेकिन अगेन यू आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, यू आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ. तो कहीं ना कहीं जो होती है उसके रिपरकशन जो है काफी ज्यादा देखने को मिले थे. इनफैक्ट जो अमेजन फॉरेस्ट है उसको बोला जाता है दिस इज द एक्चुअली द लंग्स ऑफ द अर्थ.
और उसी लंग्स को अगर आप जो है पल्यूट कर देंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस लाइक की प्रॉब्लम हो ही जाएंगी. खैर, विद दिस ग्रेट पोटेंशियल फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म इन 2002. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इको टूरिज्म से रिलेटेड थी. नाउ अब देख लेते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है इको टूरिज्म के लिए. प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई सारे केस स्टडीज के थ्रू बता दिया कि पहला, लोग कन्वीनियंस खोजना शुरू कर देते हैं और वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं टूरिज्म को. दूसरा, एडवेंचरस स्पोर्ट्स स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर करना, जैसे बाइक राइडिंग वगैरह हो गई, तो ये अगेन जो होती है वो इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहे हैं. यू आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इको टूरिज्म. तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है. इसके अलावा, टू अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इको टूरिज्म. अगर उसके डेफिनेशन को ही अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि वॉट एग्जैक्टली इज द इको टूरिज्म. जनरली इंडिया में इको टूरिज्म को और टूरिज्म को काफी ज्यादा जो होता है एक्सचेंज किया जाता है, बट एक्चुअली दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, द ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट. इको टूरिज्म का ऑब्जेक्टिव होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल बैलेंस. टूरिज्म का मतलब होता है स्टार्ट मेकिंग एक तरीके से बेनिफिट. आप यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर इन्वायरमेंटल बेनिफिट के बारे में बात की जाती है. तो आइडियली इको टूरिज्म satisfies several general criteria including the conservation of biodiversity and cultural diversity through ecosystem protection, promotion of sustainable use of biodiversity, share of socio-economic benefit with local communities. जैसे for example, again, अगर आप कभी अरुणाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी एरिया में अगर आपको जाने का मौका मिलेगा तो आपको वहां पर लोकल लोगों के घरों में रहने का मौका मिलेगा. होता क्या है यहाँ पर, यू हैव टू ऑप्शंस, एक होटल में आप चले जाइए, लेकिन दूसरी जगह पर यहाँ के लोकल लोग भी जो है वो कह लीजिए शेल्टर देते हैं, घरों में आइए, वहां पर उनका खाना खाइए, उनके कल्चर को जानिए, उनके बारे में जानिए. तो ये अगेन जो होती है जो सेकेंड पार्ट है, वेन यू आर नॉट प्रेफरिंग होटल, दैट इज नोन एज द इको टूरिज्म. तो ये जो होती है वो इको टूरिज्म की सीन हो जाती है. तो अगेन जो होता है ये इंपॉर्टेंट होती है कि आप जाने इको टूरिज्म का मतलब क्या है पहले, उसके बाद ही आप उसके प्रॉब्लम्स वगैरह को देख सकते हैं. इंक्रीज इन एनवायरमेंटल एंड कल्चरल नॉलेज, अफोर्डेबिलिटी एंड रिड्यूस वेस्ट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ इट्स ओन एनवायरमेंटल इंपैक्ट इन सच वे इट कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म बेनिफिट बोथ टू द एनवायरमेंट एज वेल एज द लोकल कम्युनिटीज. इसके अलावा अगर चीजों के बारे में बात करें तो हाउ इट इज कंटिन्यूम ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज दैट स्ट्रेच फ्रॉम द कन्वेंशनल टूरिज्म टू इको टूरिज्म प्रॉपर. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंटेंशन टू द लिमिट एट विच बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व, लोकल सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट कैन बी कंसिडर्ड इको टूरिज्म. तो कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन वाली जो चीज है दोनों के बीच में, जो बेसिक कह लीजिए कि पार्टीशन, बेसिक जो दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ कहीं पर मिसिंग है. फॉर दिस रीजन एनवायरमेंटलिस्ट एंड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एंड गवर्नमेंट डिफाइन इको टूरिज्म डिफरेंटली. एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव जनरली इंसिस्टेड दैट इको टूरिज्म इज नेचर बेस्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट कंजर्वेशन सपोर्टिंग एंड एनवायरमेंटली एजुकेटेड. द टूरिस्ट इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट However, focus more on the product aspect, treating ecotourism as equivalent to any sort of tourism based in nature. As a further complication, many terms are used under the rubric of ecotourism. तो अगेन वही चीज है कि यहाँ पर एक दोनों के बीच में जो एक ब्रेक होना चाहिए, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है वो मिसिंग एलिमेंट के रूप में आती है. द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डिफाइनिंग इको टूरिज्म हैव लेड टू कंफ्यूजन अमंग द टूरिस्ट एंड एकेडमिक्स अलाइक. Definitional problems are also subject of considerable public controversy. A trend towards the commercialization of tourism scheme disguised as a sustainably nature-based and environment-friendly ecotourism. According to McLaren, एक संस्था है, यहाँ पर बताया गया है इस पूरे के पूरे ecotourism के बारे में कि these schemes are actually environment destructive, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेटिव एंड कल्चरली इनसेंसिटिव. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस मेन ऑब्जेक्टिव की आपने मर्डर कर दिया है इको टूरिज्म, कहीं ना कहीं वो टूरिज्म में ही जाकर के मिक्स हो गया है. देयर आल्सो मॉरली डिसकंसर्टिंग बिकॉज दे मिसलीड टूरिस्ट एंड मैनिपुलेट देयर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट. द डेवलपमेंट एंड सक्सेस ऑफ सच लार्ज स्केल एनर्जी इंटेंसिव एंड इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल स्कीम्स आर अ टेस्टामेंट टू द ट्रेमेंडस प्रॉफिट associated with being labeled as eco-tourism.
तो ये थी बेसिकली पूरी इको टूरिज्म के बारे में। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स आप बहुत आराम से इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज कमर्शियलाइजेशन हो गया है चीजों का, जहां पर आपको एक जगह से उठाया जाएगा, उठाने का मतलब कि पिक किया जाएगा, एक्सप्लोर कराया जाएगा, फिर अल्टीमेटली जो होती है आपको एक जगह पर फिर वापस कर दिया जाएगा। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन हो गया। आप अपने फ्री विल से चीजों को नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेकेनाइज्ड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट है, आप व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसके अलावा गार्बेज एंड पोल्यूशन, दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। कुछ भी आ रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तो दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। इंपैक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना, अब आप कछुआ देख रहे हैं, कछुए को उठा ले रहे हैं, कह रहे हैं कछुआ को पानी में नहीं रखना है। फिशेस को देख रहे हैं, तो फिशेस को आप जो होती है अगर सो रही है तो जगा दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? फ्लोरा एंड फौना को आप इंपैक्ट पहुंचा रहे हैं, यू आर एक्चुअली मेकिंग द एनिमल्स एग्रेसिव। तो इस वजह से भी जो होती है कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट ऑफ द वर्जिन लैंड, हेवी ट्रैफिक इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट ऑन लोकल पीपल, जैसे क्या है कि अगर आप देखेंगे देहरादून या फिर हरिद्वार या फिर आप चले जाइए ऋषिकेश में, दीज आर एक्चुअली अ प्लेसेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, लेकिन यहां पर क्या है सब चीज को हटा करके हैवी ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है। तो अगेन जो होती है ये इको टूरिज्म कहीं ना कहीं जो होती है वो अपने ऑब्जेक्टिव को भूल गई है और प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मार दिया जाता है, पोचिंग की जाती है, ट्रेड किया जाता है, थ्रेट ऑफ द इंडिजिनस कल्चर्स एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द इको टूरिज्म साइट्स। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इको टूरिज्म। आई गेस आप लोगों को चीजें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आप इस चीज का यूज भी कर सकते हैं। अब किया क्या जा सकता है? किया ये जा सकता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी आपको ले आनी पड़ेगी, एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा इको टूरिज्म के लिए, और उसके अगर कोई ब्रेक करता है तो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स होनी चाहिए। बिकॉज एक्चुअली अगर एनवायरमेंट खराब हो जाता है तो खराब करना काफी आसान है, लेकिन उसको वापस रीबिल्ड करना ये काफी सालों साल का काम है। तो जैसे कि अगर 1992 में जो भी एक्शन आपने लिया है उसका जो इफेक्ट है वो 2030 2030 2040 से दिखना शुरू हो जाता है, तो रीबिल्डिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है, ब्रेकिंग में तो चुटकियों का काम है। इसके अलावा क्वालिफाइड इको टूरिस्ट गाइड्स होने चाहिए जो चीजों को बताएं, नेचर को फील कराएं, नेचर के बारे में बताएं। तो वहां पर कमर्शियलाइजेशन की जगह एटलीस्ट एक नॉलेज बेस्ड गाइड की जरूरत होती है। स्मॉल स्केल इको टूरिज्म को डेवलप करना, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, क्योंकि वही लोग सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाते हैं तो वहां पर आपको लोकल पीपल ही मिलेंगे इको टूरिज्म, मतलब कि वहां के टूरिज्म के लिए, तो प्रॉपरली आपको बताएंगे कि यहाँ का कल्चर क्या है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि लीगेसी चली आती है कि वो जानवरों को, जो भी जानवरों की किलिंग करते हैं तो उनका वो हेड रखते हैं अपने पास, तो वो मतलब हेड का मतलब स्कल रखते हैं, तो वो जो है एक तरीके का वहां का कल्चर है जो कि लोकल पीपल ही आपको बताएंगे। सिमिलरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर फॉर द गाइड्स, इनको एक जो है प्रॉपर ट्रेन्ड फॉर्मेट में भेजना चाहिए। तो ये थी बेसिकली पूरी की पूरी टूरिज्म सेक्टर के बारे में। हमारा लास्ट कंसेप्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में, इसको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं और इसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, इसी के बारे में भी डिस्कस किए थे। जैसे ये दिस इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ रीजनलाइजेशन, जो रीजनलाइजेशन होती है इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन उसका एक पार्ट होता है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। जहां पर मैंने आप लोगों को बताया ही था कि एक रोड है वहां पर पहले बक्से की दुकान हो गई है, जो आयरन के आयरन या एल्यूमिनियम या फिर स्टील इंडस्ट्री है अगर, तो वहां पर लाइन से फिर आपको लोहे के आइटम दिखना शुरू हो जाएंगे, अलमारी दिखना शुरू हो जाएगी, टेबल चेयर्स वगैरह दिखना शुरू हो जाएंगे जो लोहे वगैरह के होते हैं या इस तरीके के। अगर कोई मान लीजिए कि लकड़ी की कोई इंडस्ट्री है तो वहां पर लाइन से आपको फर्नीचर्स की शॉप्स देखना मिल जाएंगे। तो ये क्या है? दीज आर एक्चुअली द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, समझ में आ गया, which have important production, marketing and other interrelationships among them, strengthened by their togetherness and innovations. These complexes are geographically localized. Sometimes a geographical indicator bhi hote hai. Developed as an important tool for development planning, industrial complexes gain popularity in the wake of vigorous process of industrialization and planning, which started in the developing world under the Soviet influence, taking immediate clues from the planet industrial development of the France. हालांकि ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज एक्चुअली द लिटरेचर पार्ट, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट है ये स्टार्ट हुआ था इन द फ्रांस,
और वहां पर जो है सोवियत प्लानिंग के दौरान में ये सब चीजें इन्फ्लुएंस में बेसिकली स्टार्ट होती है. वंस द गवर्नमेंट ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी स्टार्ट डेवलपिंग द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस एज पार्ट ऑफ देयर कॉन्शियस पॉलिसी दे डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. और इस तरीके से अगेन जो होती है यहां पर कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं विच आर एक्चुअली नॉट रिलेवेंट हियर. Lastly, in the industrial complex, the localized industry do significant purchase from each other one's output as others input. तो यहाँ पर एक लिंकेज बन जाती है, एक चीज दूसरे चीज के लिए, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है, फिर उसका आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है. तो इस तरीके से लिंक बन जाती है जिससे कि काफी अच्छा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है. एज अ रिजल्ट नॉट ओनली दीज इंडस्ट्रीज ग्रो फास्टर बट द होल इंडस्ट्रियल रीजन ग्रो टूगेदर by the spillover effect and the multiplier effect. तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की और हमारा जो इंडस्ट्री का चैप्टर था ये पूरा फिनिश होता है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. और इस तरीके से हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर मिल सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.